दोस्तों YouTube की तरफ से दो बड़े अपडेट आ गए हैं, तो कौन कौन से अपडेट आए हैं तो आपको इसे जान लेना चाहिए। इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहेगा, चैनल पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसे यूट्यूब जी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों वीडियो करना है स्टार्ट। पहला अपडेट है YouTube सब्सक्राइबर इंक्रीज को लेकर। लोग क्या करते हैं, आपके YouTube वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन YouTube ने एक अपडेट ला दिया है जिससे आपके लोग आपके वीडियो को भी देखेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आप YouTube पर वीडियो देखते हैं, जो स्क्रोल करते हैं तो बहुत सारा आपको वीडियो देखने के लिए मिलता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो वीडियो कौन सा लैंग्वेज में बना है। लोग क्या करते हैं, जैसे मूवी हो जाए जो कि हिंदी में लिखते हैं और जो अंदर होता है जो तेलुगु में होता है, तो आपको यहाँ से भी बाहर से भी पता चल जाएगा वो मूवी कौन सा लैंग्वेज में बना हुआ है। तो ये अपडेट आ गया है, आप ऊपर से पता कर सकते हैं कि उस वीडियो में का लैंग्वेज क्या है। दोस्तों यह अपडेट दोनों दिखाने और समझाने के लिए दोस्तों ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों YouTube ने कुछ दिन पहले ही एक अपडेट ले आया था कि लोग आपके वीडियो को प्ले भी नहीं करेंगे, यानी क्लिक भी नहीं करेंगे। आप ऊपर से भी देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से साउंड इनेबल करके और जो वीडियो है वो पूरा देख लेते हैं, देखकर चले जाते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो इसको देखते हुए, ध्यान में देखते हुए चैनल YouTube ने एक यहाँ पर सब्सक्राइब का भी ऑप्शन जोड़ दिया है। लोग आपके चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको उनके चैनल पर विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो फीचर आया है जो कि ए वाला, जो कि ऊपर से ही लोग वीडियो देख लेते हैं साउंड को इनेबल करके, तो इससे क्रिएटर को कोई फ़ायदा होता नहीं है, जो कि ऐड नहीं होता है। क्रिएटर को जो अर्निंग होता है वो सारा ऐड के थ्रू ही होता है, जो गूगल एडसेंस पर। जब तक इस वीडियो पर ऐड नहीं दिखाया जाएगा क्रिएटर को अर्निंग नहीं होगा। तो एक अच्छा अपडेट है कि जो सब्सक्राइब वाला फीचर है जो YouTube ने ऐड कर दिया। साथ में जब वो फीचर आया जो ये वाला, जो ऊपर से जो लोग वीडियो देख लेते हैं, तो इससे ये फायदा होता है क्रिएटर को, लोग ऊपर से वीडियो देख लेते हैं तो जो इसका वॉच टाइम है, इसका वॉच टाइम काउंट होता है लेकिन क्लिक थ्रू रेट काउंट नहीं होता है। क्रिएटर को ये फायदा होता है कि लोग क्लिक भी नहीं करते, उसका जो वॉच टाइम है जो कि काफ़ी हो जाता है, जो ऑडियो रिटेंशन बोला जाता है, एंगेजमेंट, तो जिससे कि वो वीडियो वायरल भी होता है। तो बहुत सारे क्रिएटर घबरा जाते हैं कि जो हमारे लोग को वॉच टाइम भी काउंट नहीं होगा, तो इससे घबराने कोई चिंता न करने की जरूरत नहीं है, इसका वॉच टाइम भी काउंट होता है, बस आपका अर्निंग नहीं होता है। और दूसरा, जैसे ही मैंने अपने YouTube चैनल का नाम सर्च किया, यहाँ पर देख सकते हैं सर्च करने के बाद जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर और कितने वीडियो हैं वो सारा दिखा। दिखने के बाद हमारा जो वीडियो है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने ईमेल आईडी पर जो लेकर कुछ लेकर यहाँ पर बनाया हूँ, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है जो कि मैं इस वीडियो में किस लैंग्वेज में मैं इस वीडियो में बताया हूँ यानी बोला हूँ, तो वो सारा आपको लैंग्वेज भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आने वाले समय में हर यानी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी कुछ कुछ चैनलों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो बहुत ही जल्द ही यह सारा फीचर आपको भी मिल जाएगा और सब्सक्राइब करने वाला भी फीचर आपको मिल जाएगा। आप अपने चैनल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। अगर यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें। तब तक ले बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।